भैरव जी को भगवान शिव का रूप माना जाता है। भैरव जी के कई रूप हैं जो प्रसिद्ध हैं और सभी प्रकार के उपद्रवों को शांत करते हैं भैरव बाबा, जिसमें बटुक भैरव, जंड भैरव, काल भैरव, कपाल भैरव मेन है। भैरव जी के संबंध में कई कथाओं का विवरण विभिन्न पुराणों में प्राप्त होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि भैरव की उत्पत्ति कैसी हुई और इनके अलग अलग नाम कैसे पड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पाइसी बीची चैनल पर झलक के साथ। ऊपरी बाधाओं को भले ही विज्ञान न मानता हो, लेकिन लोगों के ऊपर इस प्रकार की नेगेटिव इफेक्ट्स को इफेक्टिव देखा गया है। नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए भैरव जी की उपासना बहुत ही प्रभावशाली मानी जाती है। भैरव जी की उपासना से न केवल भयंकर विपत्तियां टलती हैं, बल्कि भूत प्रेत संबंधी बाधाओं का भी निवारण होता है। भैरव जी की उपासना से क्रूर ग्रहों की पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। अगर कोई व्यक्ति शनि, राहु, केतु द्वारा निर्मित ग्रह दोषों से परेशान है, तो उसे भैरव जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। इस कथा से तो सभी परिचित होंगे कि जब भगवान शिव सती का निर्जी देह अपने कंधे पर रखकर ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे थे, तो भगवान श्री हरि विष्णु के सुदर्शन द्वारा सती के विभिन्न अंग कटकर पृथ्वी पर जगह जगह गिरे। उन स्थलों पर भगवान शिव ने साधना की और उन शक्ति पीठों की सुरक्षा हेतु गढ़ के रूप में एक एक भैरव को स्थित किया। इस प्रकार 108 शक्ति पीठों का सृजन हुआ और मान्यता अनुसार शंकर जी भैरव रूप में प्रत्येक शक्ति पीठ पर भिन्न भिन्न नामों से निवास करने लगे। इसलिए भैरव जी को देवी का द्वारपाल और रक्षक भी कहा जाता है। शास्त्रों में इसी प्रकार बटुक भैरव और काल भैरव की भी कथाओं का विवरण प्राप्त होता है। महाकाल शिव का भैरव रूप भयानक है। शिव के भैरव रूप से काल भी सहमा सहमा रहता है, इसलिए भैरव जी को काल भैरव भी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव और अंधकासुर नामक राक्षस के युद्ध में जब अंधकासुर की गदा भगवान शिव के वक्ष स्थल पर रगी, तो रक्त की अनेक धाराएं बहने लगी। उन अनेक धाराओं से अनेक भैरवों की उत्पत्ति हुई। पूर्व दिशा में बहने वाली रक्त धारा से जिस भैरव का जन्म हुआ, वो काल भैरव कहलाया। जहाँ काल भैरव का स्वरूप भयंकर माना जाता है, वहीं बटुक भैरव का स्वरूप बालक के समान सौम्य है। बटुक भैरव के संबंध में एक दृष्टांत अनुसार आपाद नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता को छोड़कर कुछ और वरदान मांगो। तब आपाद राक्षस ने 5 वर्षीय बालक के हाथों अपनी मृत्यु मांगी, क्योंकि वो राक्षस जानता था कि बलशाली देवता गण भी उसे पराजित करने में विफल रहते हैं, तो एक 5 वर्षीय बालक उसका अंत कैसे कर पाएगा। कुछ समय बाद महाकाली की कृपा से सभी देवताओं के शरीर से निकली किरणों से एक 5 वर्षीय बालक बटुक का अभिवार हुआ। देवताओं ने उस 5 वर्षीय बालक को बटुक भैरव का नाम दिया और उसे अपनी सेना का सेनापति घोषित किया। बटुक भैरव ने आपाद राक्षस का अंत किया और इसी प्रकार भैरव जी से संबंधित अनेक कथाओं का विवरण विभिन्न ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय भैरवनाथ की और जय महाकाल लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, स्ट्रे एनिमल्स को फीड कराना, उनकी हेल्प करना, पेड़ पौधों को पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मियाँ भी आ चुकी हैं, तो आप पानी और भोजन की व्यवस्था करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय महाकाल।